मुंबई में भी राजपूत संगठन फिल्म पद्मावती का विरोध कर रहे हैं। आज अखंड राजपूताना सेवा संघ की महिला इकाई ने जुहू में संजय लीला भंसाली के दफ्तर पर आंदोलन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें पहले ही हिरासत में ले लिया। संजय लीला भंसाली के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि राजपूत समाज के जो लोग हैं, यह राजपूत सेवा संघ के लोग हैं जो कि यहाँ इकट्ठा हुए हैं जुहू में। जुहू इलाके में संजय लीला भंसाली का घर है और यहाँ चूंकि धारा 144 लगाई गई थी, जमावबंदी पर रोक था, इजाजत नहीं थी, ऐसे पर अब इन लोगों को पुलिस थाने ले जाया जा रहा है, गाड़ियों में भरा जा रहा है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनको गाड़ियों में भरा जा रहा है। आपको दिखाते हैं ये तस्वीर, ये राजपूत सेवा संघ के लोग हैं जिन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। दरअसल पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी, पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन का। इसी जुहू इलाके में संजय लीला भंसाली का घर है, उनका दफ्तर भी है। राजपूत समाज संघ की मांग है कि एक बार फिल्म में जो एडिटिंग हुई है वो दिखाई जाए और उसके बाद ही उस फिल्म को प्रदर्शित होने का इजाजत देंगे। आप बताएं क्या मांग है। अंतिम प्रवक्त हो रहा था, गिरफ्तार किया गया है तो ये बहुत गलत तरीके से हुआ है, इसको आवाज उठाना। तो फिल्म पद्मावती को लेकर संग्राम जारी है, इस विवाद का कोई अंत फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।